नमस्कार, प्रणाम। मैं अनुज कुमार आप सबको स्वागत करता हूँ। तो यार, एक बार हमारे नाना जी ने एक कहानी सुनाया था कि अमीर और गरीब, अमीर अमीर ही होते जाता है और गरीब गरीब ही होता है। इसके बारे में उन्होंने बताया। में हुआ क्या था कि एक बार शंकर भगवान और पार्वती दोनों का झगड़ा जब होता है तो पार्वती जी बोलती हैं, तो महादेव जी आप ऐसा क्यों करते हो कि जो गरीब होता है उसको गरीब ही रहने देते हो और जो अमीर होता है उसको बढ़ाते जाते हो, क्या लग रहा है आपको, सबको एक बराबर क्यों नहीं रखते। भोलेनाथ बोले थे, वो बोलते हैं, अगर गरीब को हम अगर देते हैं तो वो लेता नहीं है, तो आप दो तो वो नहीं लेगा, वो फेंक देगा, और अमीर को अगर दोगे तो आराम से छुपा के रख लेगा, लेकिन गरीब उसे फेंक देगा, नहीं लेगा। तो दोस्तों बोला, ऐसा नहीं हो सकता महाराज, आप मेरे साथ चलिए और किसी गरीब को दे के देखिए, अगर वो फेंक देता है तो हम आपकी बात मान लेंगे। क्या बताएं, दुकान पे कस्टमर आया था इसलिए बीच बीच में विराम करके मैं बना रहा हूँ। तो पार्वती और शंकर भगवान दोनों तैयारी बनाए, अब लेडीज का बात तो भाई सबको मानना पड़ता है, आप भी मानोगे हम भी मानोगे, उनके बाने बगैर काम नहीं चलना है किसी का। वो पार्वती और शंकर भगवान आ गए धरती लोक पे और दोनों बोले कि आज चलो एक रास्ते पे खड़े होते हैं, सामने आएंगे और इस तरफ से जो जाएगा उसको हम लोग धन दे के देखते कौन लेता कौन नहीं लेता। वो चल दिए और एक रास्ते पे खड़े हो गए। शाम के टाइम में उधर से एक ब्राह्मण, मतलब गरीब आदमी था जो भीख मांग के आ रहा था, भीख मांगता रहा, खाता था उसका एक ही, और उसके पीछे था एक सेठ, बहुत बड़ा सेठ था, मतलब उसके पास धन की कमी नहीं थी। तो जो भीख मांगता था वो आदमी उसी रास्ते से जा रहा था, और इन्होंने एक सोने का सिक्का रास्ते पे रख दिया कि ये गरीब ले लेगा, तो अगर इसको बेच लेगा तो इसको बहुत मतलब ये हो जाएगा, खाने पीने में आसानी हो जाएगा, इसके बहुत सारे सामान आ जाएंगे। एक अब वो सिक्का रखने के बाद वो गरीब लड़का जो था, वो जो जा रहा था उधर आते से, वो क्या करता है, वो बोलता है यार मैं इस रास्ते से डेली जाता हूँ और आगे जाके मोड़ है, मैं आज ऐसा करता हूँ कि मैं आँख बंद करके जाता हूँ कि मैं वहां तक पहुंच सकता हूं कि नहीं। उसने ये मन में सोचा और आंख बंद किया और कदम अपना नापते हुए निकल लिया, तो चला गया, पार हो गया, सोना तो वहीं पर नहीं पड़ा रहेगा। जो गरीब आदमी, वो जो अमीर आदमी था, सेठ जी था, वो अपने घोड़े गधे जिस पे भी बैठ, घोड़े पे बैठ के, गाड़ी पे बैठ के जो जा रहे थे, उनको जाते जाते उनका घोड़ा चल रहा था, वो मोड़ था तो उनका गाड़ी धीमी हुई, मोड़ पे कोई भी स्पीड कम करता है, मोड़ को धीमी हुई, वो कुछ चमका, वो चमका तो वो सोचे कुछ ना कुछ जरूर है, तो वो उतर करके फिर तो सिक्के को उठा लेते हैं और उसको माथे से लगाते हैं, लेके अपने घर को चले जाते हैं। शंकर भगवान भोलेनाथ बोलते हैं, देखिए प्रिय क्या हुआ यहाँ पे। उन्होंने बोले कि प्रभु माफ कीजिएगा, इससे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसीलिए दोस्तों अभी कोई भी त्यौहार आता है, काम करने वाले बंधुओं को थोड़े पैसे मिलते हैं, इतने दारू पी लेते हैं, इतने पी लेते हैं कि पी के रोड पे पड़ जाता है, मारा मारी करते हैं। मैं इसके आगे उस वीडियो को जोड़ूंगा, पी के दोनों छठ से एक दिन पहले इतना मारा मारी रोड पे कर रहे थे, पूछो ना। तो ये नहीं होना चाहिए, शरीफ जैसे आपको मिलता है, आप आराम से खाओ पियो घर पर हो, लेकिन लड़ाई झगड़ा करने से क्या मिलता है, तो आपको 500-400 की दिहाड़ी मिलती है, इसी में आपको घर भी चलाना है, सब कुछ करना है, लेकिन यहाँ पे पीके पड़े रहते हैं, अच्छी बात है। इसी के साथ नमस्कार।